दोस्तों, आप पेन ड्राइव यूज़ करते होंगे। पेन ड्राइव चाहे कोई भी कंपनी की हुई हो, आप देखिए, कोई भी कंपनी की पेन ड्राइव आप यूज़ करते होंगे, आप उसे लैपटॉप में यूज़ करते होंगे, अपने पीसी में यूज़ करते होंगे। अब तो पेन ड्राइव को मोबाइल से भी कनेक्ट किया जा सकता है। एक OTG डिवाइस आता है, उसमें क्या होता है कि उसको मोबाइल में लगा कर उसे पेन ड्राइव को उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आप पेन ड्राइव में जो आपका डाटा है आप उसको मोबाइल में देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि जब आप पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में या पीसी में लगाते हैं, तो जब माई कंप्यूटर के अंदर जब आप जाते हैं, वहाँ पर ओपन करते हैं, तो वहाँ जो आइकन आता है, पेन ड्राइव का आइकन आता है, वहाँ आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं। तो वहाँ अपनी फ़ोटो लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, वो सभी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, आप ये सब फ़ोटो लगा कर दोस्तों को चौंका भी सकते हैं कि देखो, मैंने पेन ड्राइव लगाई और वहाँ पर उसका फ़ोटो आ गया। देखिए, स्मार्ट टीवी में जब आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पर भी पेन ड्राइव का आइकन आता है स्क्रीन पर। और मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर वहाँ पेन ड्राइव का जो नाम लिखा आएगा, वहां पर आपका फोटो आएगा, तो कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए बताता हूं कैसे लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने लैपटॉप में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया है। अब यहां देखिए, दिस पीसी में जाकर मैं यहां अब पेन ड्राइव को दिखा देता हूं। तो इसमें यहां आप देख सकते हैं कि ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी का फोटो आ रहा है। तो मोदी का फोटो आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर अपना फोटो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं पेन ड्राइव के अंदर चलता हूं और इन दो फाइलों को डिलीट कर देता हूँ। तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको अपने पेन ड्राइव पर फ़ोटो लगाना है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज की। तो चलिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं पेंट टाइप करूँगा, पेंट को ओपन कर लेंगे। पेंट को ओपन करने पर यहाँ अपना फ़ोटो ओपन करेंगे, जो कि मैंने डाउनलोड में मेरा फ़ोटो है। चलिए मैं अपना फ़ोटो लगाता हूँ पेन ड्राइव पर, ये वाला। अब दोस्तों, ये फ़ोटो आ गया। अब आपका इस फ़ोटो का साइज़ आपको थंबनेल की बराबर ही रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, मतलब ये साइज़ ठीक है। अब देखिए, इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करने पर यहाँ पर चलिए डाउनलोड में ही मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपको देखिए, इसको सेव करना है 24 बिट बिटमैप पर, BMP फाइल में सेव करना है। और इसका नाम मैंने रखा है photo.bmp। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब पेंट को क्लोज कर देंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी नोटपैड की, तो नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ आपको इन दो ब्रैकेट्स लगाने हैं, इसके अंदर टाइप करना है आपको ऑटो रन टाइप करना है, नीचे आना है, यहाँ टाइप करना है आपको आइकन इक्वल टू, और वहाँ मैंने फ़ोटो का नाम दिया था फोटो और .bmp, जो पेंट में मैंने सेव किया था bmp फाइल में, तो ये दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये नाम दिया है फ़ोटो, ये फाइल का नाम है, दिखा देता हूँ मैं आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। तो डाउनलोड में जाकर ये देखिए, इस फाइल का नाम है photo.bmp, तो वही मैंने नोटपैड में दिया है। तो ये सभी टाइप करके अब आपको इसको सेव कर देना है। सेव कर देंगे। सेव करने पर चलिए डाउनलोड के अंदर ही सेव कर देता हूँ। इसको आपको सेव करना है ऑटो रन, फाइल का नाम आपको ऑटो रन देना है .inf, ध्यान से देख लीजिए, autorun.inf में सेव करना है इसको। सेव कर देंगे। ये इस नाम से ऑलरेडी एक फाइल है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब चलिए वहीं डाउनलोड में चलते हैं और अपनी फाइल देखते हैं जो हमने अभी सेव किए हैं। तो देखिए, ऑटो रन INF एंड फोटो, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। जो फ़ोटो आपको लगाना है पेन ड्राइव पर BMP फॉर्मेट में, और ऑटो रन जो आपने अभी नोटपैड में टाइप किया था, वो फाइल सेव करी थी। अब इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कर लें कॉपी, और दिस पीसी के अंदर चलते हैं। अब चलते हैं पेन ड्राइव के अंदर। पेन ड्राइव के अंदर आने पर यहाँ पेस्ट कर देंगे इन दोनों फाइल्स को। पेस्ट कर दिया, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को सेफली रिमूव कर देंगे। सबसे पहले इसको इजेक्ट कर देंगे। ये आपको पता होगा कि पेन ड्राइव निकालने से पहले, कोई भी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव निकालने से पहले सेफली रिमूव करते हैं। तो मैं अब लैपटॉप से पेन ड्राइव को बाहर निकाल लूँगा।
निकालने के बाद दोबारा से मैं कनेक्ट करूँगा लैपटॉप में। मैंने कनेक्ट कर दिया। अब चलिए फोल्डर ओपन करते हैं, दिस पीसी के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए फ़ोटो आ गया होगा। तो दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, तो अभी ये डिटेक्ट करेगा पेन ड्राइव को। तो दोस्तों पेन ड्राइव मैंने लैपटॉप में कनेक्ट की और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो पेन ड्राइव की ड्राइव जो आ रही है, यहाँ मेरा फ़ोटो आ रहा है। तो इस तरीके से आप पेन ड्राइव पर अपना फ़ोटो लगाकर अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं और अपने दोस्तों को कमाल दिखा सकते हैं और सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप कोई पेन ड्राइव अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं तो उस पेन ड्राइव पर आप उसका फ़ोटो लगा कर दीजिए, तो जब वो अपनी स्मार्ट टीवी में, लैपटॉप में या ओटीजी डिवाइस से अपने मोबाइल में कनेक्ट करेगा तो उसका फ़ोटो इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं थोड़ा लार्ज करके और दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ व्यू में जाके मैंने इसको लार्ज आइकन पर कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये सारी ड्राइव्स जो आ रही हैं, ये देखिए ये फ़ोटो आ रहा है। अब देखिए थोड़ा फ़ोटो छोटा आ रहा है, अगर मैंने उसमें साइज़ थोड़ा छोटा रखा था थंबनेल साइज़ का और आपको बड़ा दिखाना है यहाँ पर पूरे पर, तो फ़ोटो को और साइज़ बड़ा ले लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि पेंट में आपको .bmp फॉर्मेट में सेव करना है और नोट पैड में जो आपको फाइल सेव करनी है वो ऑटो रन .inf में सेव करनी है।